आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप सभी के फेवरेट वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ मॉड्स की। तो आज हमें काफी बढ़िया बढ़िया मॉड्स मिले जिसमें हम लोग लिटरली डायमंड के ट्रीज को भी ग्रो कर सकते हैं और भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया मॉड्स हमें इसमें दिखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहना। एंड ये सारे मॉड्स अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो पिन कमेंट चेक कर लेना। नंबर 1 माइनक्राफ्ट बट एंटायर वर्ल्ड इज डायमंड। तो ये रहा अपना फर्स्ट ओपी लूट मॉड। इस मॉड के लिए हमारा पूरा वर्ल्ड डायमंड का हो जाएगा। अब इससे ज्यादा ओपी चीज क्या ही हो सकती है। एंड ये एक चैलेंजिंग मॉड है जिसको प्रो बॉयज और भी शॉर्ट्स वाले यूट्यूबर खेला करते हैं। इसमें हमें जगह जगह पर विलेजेस मिलते रहेंगे एंड इसके हाउस स्ट्रक्चर्स भी नॉर्मल वर्ल्ड के विलेजेस से अलग रहते हैं। एंड अगर इस विलेज के ब्लैकस्मिथ के घर में जाओगे तो उसमें नॉर्मल वर्ल्ड के विलेजेस से ज्यादा अच्छे लूट मिलेंगे। एंड इसमें विलेजेस ढूंढना भी ज्यादा हार्ड बात नहीं है। सारे विलेजेस एक दूसरे से अगल बगल ही रहते हैं और आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं रहते हैं। एंड अगर इसके विलेजेस में जाओगे तो इसमें विलेजेस भी मिलेंगे एंड बहुत सारे मॉब्स भी रहते हैं। ये जो आपको डायमंड का वर्ल्ड दिख रहा है ये टोटल 2 लेयर का रहता है। क्रिएटिव में बेडरॉक को तो माइन कर ही लोगे, अगर कर लिए तो देख लो कहां पर गिर जाओगे वर्ल्ड में। ये मोड लिटरली काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते हैं। मैंने आपको डायमंड वाला दिया है। नंबर 2 माइनक्राफ्ट बोट एक्सपी इक्वल टू योर साइज। तो इस मोड को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ये कमांड को टाइप कर देना है। तो अभी देख सकते हो मेरे प्लेयर का हाइट 2 ब्लॉक्स ही है, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सपी लेना स्टार्ट करूंगा मेरे प्लेयर की हाइट बढ़ते जाएगी। और बस प्लेयर का साइज नहीं बढ़ता, इसमें हर्ट्स भी बढ़ते और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी मिलते हैं। तो देख सकते हो अभी मेरे प्लेयर का हाइट 3 ब्लॉक्स के हो गए। तो देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पर मेरा एक्सपी बढ़ रहा है वैसे वैसे हर्ट भी बढ़ रहा है, प्लेयर का साइज भी बढ़ रहा है और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। एंड अभी मेरे प्लेयर का हाइट इस घर के जितना हो गया, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये वाला ओपी लूट मोड खेला था एपिक डेपिक ने। नंबर 3 माइनक्राफ्ट बोट ट्रीज आर ओर्स। तो इस वाले मोड को लगाने के बाद हमारे इन्वेंटरी में सारे ओर्स के ट्री सैपलिंग्स हमें मिल जाते हैं। तो इन सारे सैपलिंग्स को लगाना काफी ज्यादा इजी है। कहीं पे डर्ट पे इसको लगा दो देन बोन मिल से ये ग्रो कर जाते हैं एंड नेचुरली ये बहुत जगह स्पॉन भी हमें मिलते हैं। इनको जब बोन मिल से उगाओगे तो इनमें से अपने आप सैपलिंग्स गिरने लगते हैं। तो देख सकते हो एक ट्री से हमें यहाँ पर कितने सारे ओर ट्रीज के सैपलिंग्स मिल जाते हैं। तो ये रहा अपना डायमंड का ट्री। इनमें ओर्स की जगह ओर ब्लॉक्स रहते हैं डायमंड के एंड इनको हम लोग कट एंड माइन कर सकते हैं एक्स एंड पिकेक्स से। और इनको जब हम लोग कट करेंगे या माइन करेंगे तो इनमें से ओर्स के इंगट्स हमें मिल जाते हैं। डायमंड वाले से बहुत कम मिलते हैं, मैक्सिमम मेरे को 3 ही मिला है अभी तक। तो मेरे इन्वेंटरी देख सकते हो 4 डायमंड थे, अभी मेरे पास 7 डायमंड हो गए हैं। तो ऐसे ही जो भी ओर ट्रीज माइन करोगे उनके ओर के इंगट्स हमें मिलते रहेंगे। तो गाइस ये वाला मोड भी खेला था प्रो बॉयज ने, आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये मोड काफी ज्यादा मस्त और चैलेंजिंग है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 माइनक्राफ्ट बोर्ड चेस्ट आर सुपर ओपी। सो गाइस ये रहा ब्लैकस्मिथ का घर। इसके अंदर चलते हैं और चेस्ट को चेक करते हैं कि सुपर ओपी वो हुआ कि नहीं। सो ये रहा अपना चेस्ट और यहाँ पर कितने सारे इंचेंटेड बुक्स हमें मिलते हैं और गोल्डन एप्पल भी है, वो भी इंचेंटमेंट वाला। तो इस विलेज के जस्ट बगल में एक रूइन पोर्टल भी है। इसके चेस्ट में देख सकते हो कितने सारे नेदरराइट के चीजें हैं। तो इसमें हमें 7 सुपर ओपी चेस्ट मिल जाते हैं जो इंचेंटेड बुक के जैसे दिखते हैं और स्क्रीन पे होल्ड करने से वो प्लेस हो जाते हैं। तो अभी मैंने प्लेस किया सुपर ओपी वुडन चेस्ट एंड इसमें सारे आइटम वुडन के रहेंगे, एमरल्ड वाले में एमरल्ड के रहेंगे, गोल्ड वाले में गोल्ड के, और देख सकते हो काफी सारे ओपी चीजें भी हैं। डायमंड वाले सुपर ओपी चेस्ट में लिटरली डायमंड्स में बहुत सारे मिल जाते हैं, डायमंड्स ब्लॉक्स भी एंड डायमंड के सारे आइटम। तो इसमें 7 ओर्स वाले चेस्ट है जिसमें से हमें उन्हें ओर से रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं एंड उनके इंगट्स वगैरह। ये मोड एक टाइम में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था। तो अगर इसको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छा मोड है ये। नंबर 5 माइनक्राफ्ट बोर्ड डैमेज गिव्स ओपी आइटम। तो ये मोड भी एक कमांड से एक्टिवेट होने वाला है जो कि आपको स्क्रीन पे अपने दिख रहा होगा। तो जैसे ही फॉल डैमेज लोगे वैसे ही कुछ ना कुछ ओपी आइटम्स या नॉर्मल आइटम्स मिलेंगे। तो पहली बार डैमेज लेने से मेरे को मिला है आयरन ब्लॉक। तो ऐसे ही जितने पर भी डैमेज लोगे कुछ ना कुछ आइटम्स मिलेंगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे ओपी हो। तो ये वाला मोड काफी यूट्यूबर्स ने खेला है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। सो या गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये सारे मोड चाहिए तो पिन कमेंट चेक कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।